तमाम दोस्तों को आसन अमले सबके लिए मैं तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त शेख शाह कादरी। तमाम दोस्तों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आसन अमले सबके लिए तरफ से और मेरी तरफ से। दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से तमाम मेरे चाहने वालों को, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को और लाइक करने तमाम दोस्तों को सारे आलम को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश है। अल्लाह ताला आपको इस महीने में तमाम बरकतें अता फरमाए, तमाम आपकी हाजतें पूरी हो जाए। अल्लाह से दुआ है आपकी तमाम मजायद मकसद में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों आप ही के लिए रमजान मुबारक का खास तोहफा, रमजान का खास वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान वजीफा है दोस्तों। इस दुआ के जरिए आप अल्लाह ताला से अपनी हाजत मांग सकते हैं। इस मुबारक महीने में भी आप अपने अमल को जारी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बात बताना जरूरी है, जो भी हजरात जो बहने भाई अमल कर रहे हैं रमजान के इस मुबारक महीने में, आप अपने अमल को जारी रख सकते हैं, अमल कर सकते हैं, शुरू भी कर सकते हैं, अगर कोई कर रहे हैं तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ताकि हमारे जो अमल है कुरान की आयतें होती हैं माशाल्लाह, इसको करने से कोई यह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कामयाबी होती है और आपकी इबादत में और अल्हम्दुलिल्लाह और इबादत करने के साथ आपको वजीफा करने का भी आसान तरीके से मौका मिलता है। जी दोस्तों चलिए बताता हूँ रमजान की माशाल्लाह खास तोहफा, रमजान का खास दुआ आपकी खिदमत पेश नजर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यही वो दुआ है रमजान की खास दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हक्कुल खय्यूमुल खाइमुल अला कुल्ली नफ्सिम बिमा कसबत। जी हाँ दोस्तों, इस दुआ को बरगाह इलाही में आपको पढ़ना है, अल्लाह यानी अल्लाह के आप अपने मकसद के लिए, अपना जो भी मकसद हो, अपना जो भी मकसद है अपने दिल में रखकर अल्लाह से इस दुआ को दुआ कीजिए, इस दुआ को पढ़िए। अल्लाह ताला आपके तमाम हाजत को पूरा करेगा, चाहे माली मदद हो या किसी को मनाना हो या किसी को राजी करना हो या अपना कोई मसला हो या अपना कोई हक वापस आना हो, जो भी आपका मसला हो, जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपका जो भी आपकी नियत नेक होना चाहिए, अल्लाह पे कामिल भरोसा करके इस वजीफे को आप पढ़िए। देखिए बाद नमाज तहज्जुद पढ़ेंगे तो माशाल्लाह बहुत बेटर है, या बाद नमाज ईशा बामजबूरी 111 मरतबा पढ़ें, दुदर शरीफ अव्वल आखिर 11 मरतबा पढ़ें। ठीक, 111 मरतबा इस दुआ को आपको पढ़ना है, यानी एक ही तस्बीह पढ़ना है, बहुत आसान है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हक्कुल खय्यूमुल खाइमुल अला कुल्ली नफ्सिम बिमा कसबत। जी हाँ दोस्तों, ये दुआ को पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएगा, आपके मकसद में कामयाबी मिलेगी। स्क्रीन पर भी आपको यह दुआ मैं बता रहा हूं, देखिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह दुआ समझ में आ गई होगी, माशाल्लाह दुआ समझ में याद हो गई होगी, इंशाल्लाह दुआ याद कर लीजिए। और दोस्तों किस तरह दुआ को पढ़ना है दुआ कीजिए, रमजान में अल्लाह ताला आपकी इजाजत खुद पूरा करे, हमारी टीम के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।